बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो अब हम बनाने लगे हैं, ये टींडे नहीं है, ये देखिए लग रहे हैं कि ये शायद टींडे हैं, नहीं ये है कच्चे टमाटर। जब टमाटर कच्चे होते हैं तो वो सब्ज़ी की तरह बनाए बहुत मज़े के लगते हैं। और कच्चे टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक अदद प्याज काट ली है, दो तीन जोए लहसुन के, अदरक को मैंने कूट लिया, और ये है मसाला जात, नमक, काली मिर्च, हल्दी पिसी हुई काली मिर्च, और ये कुटी हुई मिर्च। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वो अदद बड़ी रेड मिर्चें भी मैं ले आई हूँ, जैसे हम सब्ज़ मिर्चें डालते हैं सब्ज़ी में। तो ये देखिए मैंने सोचा ये सब्ज़ कलर की है तो इसमें हम रेड कलर। एक दो मिनट बाद ये प्याज थोड़ा पिंक पिंक सा हो गया, अब इसमें मैं ये मसाला जात शामिल कर देती हूँ। बहुत ही जल्दी और मज़े का सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। साथ ही हम इसके थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मिर्चे ना जल जाए। अगर आप गोश्त का सालन बनाएं, कढ़ाई गोश्त बनाएं, कुछ बनाएं इस तरह का, तो आप साथ ये सालन के तौर पे भी अलग से बना के रख सकते हैं। या फिर मेरी तरह कुछ जैनों जो मज़े का चटपटा खट्टा खट्टा मीठा मीठा का सालन खाना चाहें। अब मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर, रेड मिर्च मैंने काटी थी, और हरा प्याज ये शामिल कर देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से मसाले में इन कच्चे टमाटरों को मिक्स कर देती हूँ। अब एक दो मिनट हम इसको ऐसे ही भून लेंगे, इसके बाद हल्की आँच से दम के रख देंगे। दो मिनट टमाटरों को मसाले के साथ भूनने के बाद मैं आँच आटा कर दूंगी एक पे, बिल्कुल हल्की आँच, और इस तरह से कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। चलिए अब चेक करते हैं तीन चार मिनट के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छी टमाटर की सब्ज़ी रेडी है। अब मैं इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया और अब मैं सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ। बिल्कुल स्पेशल किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह।